दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त राजा सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेरा आज बात करूंगा नींबू पानी पीने से क्या क्या लाभ होते हैं के बारे में। नींबू पानी पिए और स्वस्थ बने रहिए। दोस्तों, नींबू को लगभग सभी जानते एवं पहचानते हैं। यह एक इतना स्वास्थ्यवर्धक फल है कि जिसका सेवन लगभग हर घर में होता रहता है। और दोस्तों, भारत में तो नींबू से बने अनेक प्रकार के अचार से लेकर खाद्य पदार्थ का भरपूर उपयोग होता रहता है। और दोस्तों, आयुर्वेद में तो यह एक महान औषधि भी है। और दोस्तों, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में नींबू का पानी पीना तो प्रसिद्ध है ही। साथ ही दोस्तों, यहाँ बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी है। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर एक, नींबू को गुनगुने पानी में डालकर पीने से पाचन की समस्या दूर होती है। नंबर दो, गले के संक्रमण होने पर आधे नींबू को आधे गिलास पानी के साथ लेना बहुत फायदेमंद होता है। नंबर तीन, नींबू में पोटेशियम पाया जाता है, यह हृदय रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना और मितली यानी उल्टी करने का मन करने में नींबू पानी बहुत ही उपयोगी होता है। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़ कर कुल्ला करने से मुँह से बदबू नहीं आती, दांत मजबूत होते हैं। नंबर पाँच, प्रतिरक्षा तंत्र को नींबू पानी मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर छः, एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर खाली पेट पीने से पेट साफ रहता है। नंबर सात, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए सुबह खाली पेट एक गिलास नींबू पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पिए। नंबर आठ, नींबू के रस को चाय में डालकर पिए या एक नींबू का रस को पानी में डालकर धीमी आंच पर उबालिए, ठंडा होने के बाद पिए। इसमें बुखार में होने वाली हरारत या कमजोरी दूर हो जाएगी और बुखार नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।